हाई वन, दिस इज एंकर विक्रम एंड वेलकम टू अनजाने टीवी। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है मीत संधू और उनका ब्रांड है MS एंटरटेनमेंट। आज बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में और कैसा रहा उनका सफर इस इवेंट इंडस्ट्री में और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस और उनके क्या प्लान है फ्यूचर में। मीत संधू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्रीकाल विक्रम जी, पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनजाने टीवी का जिन्होंने सानू इत्थे आउण दा मौका दिता। सो भाजी, जिहड़ा अज साडा इंटरव्यू हैगा इत्थे मैं दस्सण आउंदा वी लाइक साडा जिहड़ा नैक्सट शो हैगा मिस एंड मिसिज इंडिया का, वी लाइक असीं कुछ हट के अच्छे लैवल का करना चाहुंदे आ। ते असीं चाहुंदे आ वी लाइक यार जिहड़े नवें अजकल दे कुड़ियां ने जां वी मिस एंड मिसिज दे विच जिहड़ी लेडीज़ ने वी इहनां नूं कुछ अग्गे वधण दा मौका दित्ता जावे। तो मैं जानना चाहूंगा अमित जी, आपका इससे पहले कौन सा शो था और अभी जो आने वाला अपकमिंग शो है कौन सी तारीख को है? जो अभी लास्ट वाला शो था तो विक्रम जी मैं बताना चाहूंगा आपको भी लाइक जो लास्ट शो था भी लोग लाइक वो हमारा राजपुरा में था 17 अप्रैल को था, तो वो भी हमारा मिस एंड मिसेज इंडिया का था ग्लैमर ऑफ द क्वीन। तो अभी जो हमारा शो होने वाला है उसका टाइटल दिया गया है मिस एंड मिसेज इंडिया समर 2022 इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल ऑफ द दिवा क्वीन। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बातचीत करते रहेंगे आपसे। तो मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन कौन है आपके लिए जो आपने जर्नी स्टार्ट करी इस इंडस्ट्री में आके? मैं आपको बताता हूँ भी लाइक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, देखो हर इंसान ने मेरे को सपोर्ट किया। तो भी कहने का मतलब ये है भी लाइक मेरे मॉम डैड थे भी लाइक उन्होंने भी पहले इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया भी नहीं इसमें छोटे छोटे लड़कियाँ कपड़े पहनती हैं। बट कहने का मतलब ये होता भी लाइक देखो आपको भी पता भी लाइक पिंडों वाले हैं तो पिंडों में लाइक कैसा कुछ होता है, कैसा कुछ माहौल रहता है। तो लाइक भी धीरे धीरे नहीं मॉम डैड को समझाया भी नहीं मम्मा मुझे इस लाइन में ही जाना है आके, तो बस आप आज आपके सामने बैठे। मैं जहाँ तक आपको जान पाया हूँ आप फार्मेसी की आपने है ना, बी फार्मेसी की आपका जो रहा और बहुत मुश्किल होता है स्विच करना जिस आप फील्ड में हो और एकदम से स्विच करना और कुछ ना कुछ तो देखने को आपका एक फोकस हुआ कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी थी या क्या गोल रहा था आपका उस टाइम पे? एक्चुअली क्या था भैया, मैं आपको बताता हूँ भी लाइक जब मैं इस लाइन में आया तो मैंने भी लाइक आपको पता ही भी लाइक फील्ड में आगे बढ़ना है तो भी लाइक सबसे पहली चीज़ प्रोफाइल मांगी जाती है भी लाइक अपना पोर्टफोलियो बनवा के आओ, आपको अगर प्रोफाइल बनवानी है तो इतने पैसे लगते हैं। तो मॉम डैड भी अलाउ नहीं करते थे भी लाइक नहीं हमने पैसे देने नहीं है। तो मैं मेडिकल लाइन से था तो मैंने मेडिकल की जॉब भी की, डॉक्टर जिंदर शर्मा जी थे राजपुरा से तो जिनके पास मैं जॉब करता था तो उनसे भी लाइक मेरे को जो सैलरी मिलती थी तो उसी से ही मैंने अपने मैंने स्कूटर रखा हुआ था, चेतक स्कूटर रखा हुआ था तो अभी लाइक उसी में पेट्रोल डलवाना भी लाइक उसी में मेरे को मेडिकल जो हमारी मेडिसिन थी भी लाइक उसको सप्लाई करने के लिए जाता था। तो वो पैसा अपना सेव करके कुछ ना कुछ लाइक इस फील्ड में लगाया तो आज आपके सामने बैठा। ऑडियंस एक बहुत बड़ा मैसेज जो आज मैं समझ लिया कि कोई भी नई शुरुआत करनी है आपने स्टार्टिंग जीरो से ही होती है तो जीवन में कभी हार ना माने। और जैसा मीत जी बता रहे हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया स्कूटर से और आज बड़ी बड़ी गाड़ियों घूमते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है इनके फैन हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मीत जी कैसे ही बोल रहा हूँ? देखो सर भी लाइक इन्ने वड्डे भी नहीं हुए क्योंकि कहण तो भावे हैगा कहिंदे ने भी लाइक ठोकरा खा के इंसान अगे वधदा हैगा, बादाम खा के किसी नूं अकल नहीं होगी। सो भाजी भी लाइक मैं शुरू तो ही लाइक डाउन टू अर्थ रहा भी लाइक मैनू कोई हंकार नहीं हैगा भी लाइक मेरे को स्कूटर सीगा या भी अज मेरे को गड्डी हैगी है, मैनू इदां दा कोई ओ नहीं हैगा। बाकी मैं उन लोगों का धन्यवाद करदा भी लाइक जिन्होंने मैनू सपोर्ट की, जिहड़े अज भी मेरे तो जलदे ने मैं उन्होंने भी धन्यवाद करदा भी आ नहीं कहिंदा भी लाइक ठीक है भी तुसीं मेरे तो जल रहे हो, कहिंदे आ भी बाबा जी ने एक गल की है कहिंदा भी सड़ ना, कहिंदा सड़ ना रेस कर। सो भी भाजी अपना मेन मोटिव हैगा भी लाइक असीं हर किसी अपने नाल जोड़ते हैं तो हर किसी नाल ही अपना चंगा वर्ताव रखते हैं क्योंकि जिंदगी दे विच अगर आप अगे वधना हैगा तो हर किसी नूं जीना जी ही कहवांगे तो ही अगे वध पावांगे। सो तुहाडे सामने बैठे हैं अज ते अनजाने टीवी ने सानूं अज मौका दिता भी साम कैमरे दे अगे आउण दा, तो मैं अनजाने टीवी दा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहुंदा। तो मैं अज दे टाइम दे विच एक छोटा जिहा संदेश देना चाहुंदा, मिस एंड मिसिज इंडिया का साड़ा शो होने वाला है 19 जून जो कि जीरकपुर के हो जा रहा है, बहुत व्डे लैवल का शो हो जा रहा है। सो असी इस शो के पहुंचीए हम आके तो साडे शो नी आके देखो तुम खुद पता लगेगा भी लाइक शो के कुछ होंगे है। साढ़े इन 3 राउंड ने, फस्ट राउंड इंट्रोडक्शन का है, सैकेंड राउंड साड़ा है कैटवॉक का एंड जरा थर्ड साड़ा राउंड है वो हैगा सा क्वेश्चन का जिंद भी लाइक जजिस क्वेश्चन पुट करे एंड भी लाइक जो पार्टीसपेंट्स होटेस्टेंट होे उन्हों का टैलेंट भी वेख्या जाएगा क्योंकि अजकल के लोग भी लाइक बहुत कुछ सोचते हैं भी लाइक साढ़े को पैसा हैगा
ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਦੁਬਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਤਾਇਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੀ ਸੰਧੂ ਜੋ ਓਨਰ ਹੈ ਐਮ ਐਸ ਐਨ ਐਡਮਿਨ ਕੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹਮ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੇ ਵਿਕਰਮ ਕੇ ਸਾਥ, ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਅਨਜਾਨੇ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਦ ਟੀਮ। ਤੋ आगे मिलते हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ आने वाले टाइम में जुड़ेंगे और हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे, और आपके लिए एक अच्छा जो एक्सपीरियंस है उनका जो उन्होंने अपने लाइफ में सीखा और जो वो करते आ रहे हैं उनसे आप कुछ सीख पाए तो हमारा मोटिव सफल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अनजाने टीवी। मिस अंदू जी, एक बार हमारी ऑडियंस को एक बार कुछ लास्ट मैसेज देना चाहें। एट लास्ट इन्हों के चैनल सब्सक्राइब करो तो तुम तरह तरह की वीडियो इतने मिलती रहनगियाँ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अनजाने टीवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।